हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में। इसके पहले हम आप लोगों को फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है और सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन के कन्वर्जन के बारे में। एक प्रोजेक्शन से दूसरे प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है इसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन से फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में जो ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होता है उसको फिशर प्रोजेक्शन में हम बॉटम में रखते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में जो ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होता है उसको हम बॉटम में रखते हैं। अब आप यहाँ पे ऐसे समझिए, यहाँ पे देखिए, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में बिलो द प्लेन ऑफ पेपर में जो ग्रुप होता है उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, डॉट लाइन से। ये हम आपको वीडियो में अच्छे से बता चुके हैं, इसको हम डॉट लाइन से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे डॉट लाइन हो गया और यहाँ पे क्या है, CH3 क्या है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है। अब ये फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में है। अब इसको अगर हम फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको नीचे हम लिखेंगे, इसको जो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होता है उसको हम बॉटम में रखते हैं, किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं, और रिमेनिंग थ्री ग्रुप, जो तीन ग्रुप बचते हैं उसको हम सीक्वेंस वाइज वैसे ही अटैच कर देते हैं, सीक्वेंस वाइज वैसे ही सेम रखते हैं, या तो क्लॉकवाइज रखेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की चलने की दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है उसकी विपरीत दिशा। ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज और इसके अपोजिट हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रख रहे हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे OH C OH फिर H, और अगर आप क्लॉकवाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे रखना HC OH OH। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। द ग्रुप विच इज़ बिलो द प्लेन ऑफ पेपर इज केप्ट एट द बॉटम इन द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला एंड रिमेनिंग द थ्री ग्रुप आर अटैच इन द सेम सीक्वेंस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में जो ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होता है उसको फिशर प्रोजेक्शन में हम क्या रखते हैं, बॉटम में उसको हम रखते हैं, और जो तीन ग्रुप रिमेनिंग बचते हैं उसको हम सेम सीक्वेंस में रखते हैं, या तो क्लॉकवाइज में रख देंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। अब एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन है, और फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में सबसे पहले आप कुछ नहीं देखेंगे, बस आपको यही देखना है कौन सा ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होता है। बिलो द प्लेन ऑफ पेपर जो ग्रुप होगा उसको हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं डिटेल में, जब हम फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन बता रहे थे। तो डॉटेड लाइन से CH3 आपको दिख रहा होगा। अब जो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर में ग्रुप है उसको हम कहाँ रखेंगे, फिशर प्रोजेक्शन में, यहाँ पे बॉटम में रखेंगे, यहाँ पे रखना है। और फिर क्या करना है, जो तीनों ग्रुप बचे हैं या तो उसको क्लॉकवाइज में रखिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज में रखिए। अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज में आप रख रहे हैं, तो यहाँ से रखिए H रख दीजिए, फिर हो जाएगा COOH हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे देख लेते हैं, ये वाला देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन सा ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, और बिलो द प्लेन ऑफ पेपर के लिए हम डॉटेड लाइन का यूज करते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये H जो है वो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है। अब इसको हम, ये फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन है, अब फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बॉटम में रखेंगे, H को क्या करेंगे, बॉटम में रखेंगे। अब बॉटम में रखने के बाद अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रख रहे हैं, इधर से रख रहे हैं, तो क्या करना है आपको, यहाँ से स्टार्ट करना है, COOH हो जाएगा, OH हो जाएगा, और फिर PH हो जाएगा। यहाँ से आप वैसे जैसे जैसे ग्रुप है वैसे सीक्वेंस में आपको रखना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे CH3 क्या है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, तो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है तो इसको कहाँ पे, फिशर प्रोजेक्शन में रखेंगे, फिशर प्रोजेक्शन में इसको बॉटम में रखेंगे, तो बॉटम में रख दीजिए, और फिर जैसे जैसे जो ग्रुप है वैसे अटैच कर दीजिए, यहाँ पे
यहाँ पे देखिए एच है, एच रख दीजिए, फिर सी एल है, सी एल को रख दीजिए, फिर क्या है सी एफ थ्री है, तो यहाँ पे सी एफ थ्री हो गया आपका। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये क्या था, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में आप फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आगे देख लेते हैं, अब फिशर प्रोजेक्शन से फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले क्या था, पहले था फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन से फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना था, अब उसका उल्टा करना है आपको, फिशर प्रोजेक्शन से फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या देखेंगे, फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप बॉटम में होता है उसको हम फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में बिलो द प्लेन ऑफ पेपर रखते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप बॉटम में होता है उसको हम फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में बिलो द प्लेन ऑफ पेपर रखते हैं, और जो तीनों ग्रुप रिमेनिंग बचे होते हैं उसको सेम सीक्वेंस में या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रख देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी का सेम उल्टा ही करना है, यहाँ पे ना जो ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में बॉटम में होते हैं उसको फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में हम बिलो द प्लेन ऑफ पेपर रख देते हैं, और जो रिमेनिंग ग्रुप तीन ठू बचते हैं उसको हम सेम सीक्वेंस में या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रख देते हैं। अब देख लेते हैं, द ग्रुप विच इज़ एट द बॉटम ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इसके बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर इन द फ्लाइंग वेज फार्मूला एंड द रिमेनिंग थ्री ग्रुप्स आर अटैच्ड इन द सेम सीक्वेंस दैट इज क्लॉकवाइज आर एंटी क्लॉकवाइज। अब एग्जांपल अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है कि फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप बॉटम में होता है उसको हम फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में डॉटेड लाइन मतलब कि बिलो द प्लेन ऑफ पेपर पे रखते हैं। यहाँ पे देखिए ये बॉटम में है सी एस थ्री, तो इसको हम कहाँ रख रहे हैं, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर को हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद ये तीनों जो ग्रुप बच रहे हैं उसको हम सेम सिक्वेंस से रख देंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, आप बना लीजिए ऐसे, ऐसे बन गया। तो यहाँ पे जो सी एस थ्री नीचे है ना उसको हम बिलो द प्लेन ऑफ पेपर रख देंगे, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर रख देंगे, और ओ एच सी डबल ओ एच एच इसको हम सेम सीक्वेंस में एंटी क्लॉकवाइज रखिए या फिर क्लॉकवाइज पे रखिए। यहाँ पे ओ एच हो जाएगा आपका, फिर क्या आ रहा है उसके बाद आ रहा है आपका सी डबल ओ एच आ रहा है, तो उसको रख दीजिए, फिर एच रख दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे, ऐसे ही आपको बना के डायरेक्ट रखना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए सी एस थ्री जो है वो क्या है, बॉटम में है मतलब नीचे है, तो इसको हम डॉटेड लाइन पे रखेंगे, यहाँ पे बिलो द प्लेन ऑफ पेपर रख देंगे, और जो ग्रुप जैसे जैसे अटैच है वैसे रख देंगे। यहाँ पे देखिए एच है, एच के बाद सी एफ थ्री आ रहा है, फिर सी एल आ रहा है, तो यहाँ पे एच रखेंगे, सी एफ थ्री रखेंगे, फिर सी एल रख देंगे। अब ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे पी एफ जो है वो क्या है, नीचे है, तो इसको हम बिलो द प्लेन ऑफ पेपर रख देंगे, और फिर सेम ग्रुप जैसे जैसे ग्रुप है वैसे रख देंगे। ओ एच है, ओ एच रख देंगे, फिर उसके बाद क्या है एन एच एम ई है, एन एच एम ई रख देंगे, फिर क्या रखेंगे सी एच थ्री। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, हमने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है कि कैसे किस में कन्वर्ट करेंगे। अब आगे देख लेते हैं और भी कन्वर्जन होते हैं, किसी भी प्रोजेक्शन से दूसरे प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई ग्रुप जो है वो सोहर्स प्रोजेक्शन में है, सोहर्स प्रोजेक्शन, अब अगर आपको सोहर्स प्रोजेक्शन से न्यू मैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे। सोहर्स प्रोजेक्शन हम आपको बताए थे कि ऐसे बनता है, इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है इक्लिस्ट, एक होता है स्कैटर्ड। तो ये क्या है, स्कैटर्ड फॉर्म है, ओ एच मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे सी टू ओ एच है, यहाँ पे सी एच ओ है, ओ एच है, फिर एच है। इस ग्रुप को हमको किस में कन्वर्ट करना है, न्यू मैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ये क्या है आपका फ्रंट कार्बन है, और ये क्या है आपका बैक कार्बन है। तो
अब सोहार्स प्रोजेक्शन में हमको न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या देखेंगे, ये वाला कार्बन क्या है, फ्रंट कार्बन है। हम आपको सोहार्स प्रोजेक्शन जब बता रहे थे अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, अगर आपको समझना है अच्छे से तो आप वो वीडियो देखकर आइए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सोहार्स प्रोजेक्शन में ये वाला कार्बन जो होता है वो फ्रंट कार्बन होता है, और ये वाला कार्बन जो होता है वो बैक कार्बन होता है। और न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो फ्रंट कार्बन होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डॉट लाइन से। तो यहाँ पे हम डॉट लाइन से इसको डिनोट करेंगे, और वाई क्या है, यहाँ पे सीधा है तो सीधा वाई बनाएंगे। और क्या क्या रखेंगे, जो जैसे है उसको वैसे ही रखेंगे। यहाँ पे नीचे क्या है, CH2OH है, यहाँ पे इस साइड में OH है, और फिर यहाँ पे H है। अब फिर बैक कार्बन को हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये वाले कार्बन को कैसे डिनोट करेंगे, सर्कल से। ये हो जाएगा आपका बैक कार्बन। अब यहाँ पे ये वाला वाई क्या था, सीधा था, और ये वाला वाई क्या है, उल्टा है, तो उल्टा वाई बनाएंगे ऐसे। ये हो जाएगा आपका उल्टा वाई। यहाँ पे क्या है, CHO है, तो यहाँ पे रखेंगे CHO, यहाँ पे क्या रखेंगे, OH रख देंगे, और यहाँ पे रख देंगे H। तो ये क्या हुआ, सोहार्स प्रोजेक्शन से न्यूमैन प्रोजेक्शन में इसका कन्वर्जन हुआ है। क्या किए हैं हम, सोहार्स प्रोजेक्शन से न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया गया है। अब आगे देख लेते हैं, सोहार्स प्रोजेक्शन से अगर हमको फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। ये क्या है, फ्लाइंग विच, फ्लाइंग विच प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये तो प्लेन में ही है, इसको वैसे ही ड्रॉ करेंगे। ये भी क्या होता है, प्लेन में होता है, ये भी है प्लेन में, तो इसको और इसको वैसे ही करेंगे ड्रॉ। ये क्या है, फ्रंट है, मतलब फ्रंट में है, और ये क्या है, बैक है। ये क्या है, फ्रंट है, ये क्या है, बैक है। जैसे आपको दिख रहा है आपको वैसे ही करना है, जो आपको फ्रंट में दिख रहा है ये अगर आप मान लीजिए ऐसे देखेंगे ना, एक मिनट देखिए, आप ऐसे दिखेगा ये वाला तीनों ग्रुप, जो वाई वाला तीनों ग्रुप है आप ऐसे देखेंगे, देखिए ऐसे दिखेगा आपको, वाई सीधा है ना, तो ऐसे दिखेगा। तो ये क्या है, ये ओ एच हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा, बैक में जो है वो H हो जाएगा, और ये जो नीचे है आपका ये क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा, ये हो जाएगा OH, ये क्या है, फ्रंट में है, और ये क्या है, बैक में है, H हो जाएगा। ये आपको ऐसे दिखेगा। सबसे पहले ये वाला ग्रुप जो है वैसे ही रख दीजिए, CHO हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, CH2OH है। अब क्या देखना है आपको, जो फ्रंट में है, जो फ्रंट में है उसको हम सॉलिड लाइन से, इस वाली लाइन से इंडिकेट करेंगे, ओ एच हो जाएगा। ये क्या है, एबव द प्लेन ऑफ पेपर है, और ये क्या है, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, मतलब बैक जो है वो पीछे जो है उसको हम एच से इंडिकेट करेंगे, डॉटेड लाइन से इंडिकेट करेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये क्या है, सॉरी, ये वाला आपको फ्रंट में दिख रहा होगा ना, ऐसे है ये, वाइस उल्टा है ना, तो ये H जो है, ओ एच जो है वो इस साइड में है, और ये H जो है ये है, ये वाला H है और ये ओ एच है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा। इस वाले कार्बन की हम बात कर रहे हैं, तो ये फ्रंट हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा, ये फ्रंट है और ये बैक है। तो यहाँ पर जो फ्रंट है उसको हम ऐसे इंडिकेट करेंगे, और जो बैक है, ये वाला बैक है ना, इसको हम इससे इंडिकेट करेंगे, डॉटेड लाइन से। ये आपने क्या किया है, सोहार्स प्रोजेक्शन से फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया है, सोहार्स प्रोजेक्शन से फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया है। अब अगर आपको सोहार्स प्रोजेक्शन से फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, इससे आपको किस में कन्वर्ट करना है, फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। फिशर प्रोजेक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये जो वाई है ना, ये वाला वाई सीधा है, ये वाला वाई उल्टा है, तो हमको क्या करना है, दोनों वाई जो है वो सीधा करना है, दोनों वाई जो है वो सीधा, ये वाले वाई तो सीधा है ना, ये वाला वाई क्या है, उल्टा है, तो इसको हमको सीधा करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, जो ये वाई तो सीधा है, इसको वैसे ही लिख दीजिए, ओ एच,
एच और सी एच टू ओ एच, ये वाला वाई उल्टा है तो यहाँ पे ऐसे डैश डैश बनाएंगे, ये वाला इस साइड में जाएगा और ये वाला इस साइड में जाएगा। तो क्या करेंगे, सी एच ओ जो ऊपर है उसको हम क्या करेंगे नीचे लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा सी एच ओ। अब देखिए क्या करना है, वाई बन गया है तो एच जो इस साइड में था वो इस साइड में आएगा, तो एच ऐसे लिख देंगे और ओ एच जो इस साइड में था वो इस साइड में जाएगा, तो ओ एच ऐसे लिख देंगे। ये आपका कन्वर्ट हो गया, ये था स्कैटर फॉर्म, ये हो गया इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको ऐसे कन्वर्ट करना, इसमें कुछ नहीं करना था, 180 डिग्री पे इसको रोटेट करना था तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता। इसको समझाने के लिए, इजी करने के लिए हम आपको ऐसे बता दिए हैं। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है फीसर में, तो क्या करना है, आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये करेंगे, ये फ्रंट कार्बन है इसको फर्स्ट रखेंगे, ये बैक कार्बन है इसको सेकेंड नंबर देंगे, और जो फर्स्ट कार्बन होता है उसको हम यहाँ से हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो इसको क्या करेंगे फर्स्ट कार्बन रखेंगे, इसको सेकेंड कार्बन रखेंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा तभी आप कन्वर्ट कर पाएंगे कि जो ये फर्स्ट कार्बन होता है उसको हम नीचे से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि ऊपर से फर्स्ट कार्बन दे दिए फिर सेकेंड कार्बन, नंबरिंग हमेशा नीचे से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कार्बन फिर सेकेंड कार्बन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, इसको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, और जो ये ग्रुप है इसको यहाँ पे रखना है, हमेशा आप रख दीजिए पहले सी एच टू ओ एच रख दीजिए, और ये वाला ग्रुप ऊपर के साइड में रख दीजिए सी एच ओ। ये ग्रुप हो गया आपका। अब आप देखेंगे जो राइट में है उसको राइट में रख देंगे, जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में रख देंगे, और कुछ नहीं करना है। जो राइट में है उसको राइट में, ये वाला क्या है राइट, ये क्या है लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो जो राइट में है ओ एच रख दीजिए राइट में, और ये एच क्या है लेफ्ट में है तो उसको लेफ्ट में रख दीजिए। यहाँ पर ओ एच क्या है राइट में है तो राइट में रखेंगे, और ये H क्या है लेफ्ट में है तो इसको लेफ्ट में रखेंगे। ये क्या हो गया, आपने सौ हॉर्स प्रोजेक्शन से किस में कन्वर्ट कर दिया है फिशर प्रोजेक्शन में। आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं तो हम ये राइटिंग वगैरह पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, बस ये ध्यान दे रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। ये 3D में है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आप लोगों के लिए, लेकिन हम पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई भी चीज़ तो आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं कि आपने बस बता दिया, समझ में कुछ नहीं आया। और एक बात, अगर आप थोड़ा सा वीडियो देखेंगे और फिर चले जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, इससे अच्छा आप देखें ही ना। अगर आपको समझना है तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और नहीं देखेंगे तो कोई भी टीचर आपको समझा नहीं सकता है, क्योंकि आप थोड़ा सा ही देख के चले जाएंगे तो समझ में तो नहीं आने वाला है, क्योंकि जो केमिस्ट्री होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, इसको समझने के लिए टाइम लगता है। तो आप अगर पूरा देखेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सौहार्स से हमने न्यूमैन में कन्वर्ट किया, फिर सौहार्स से हमने फ्लाइंग वेज में कन्वर्ट किया, फिर सौहार्स से हमने किस में कन्वर्ट किया, फिशर में कन्वर्ट किया। अब एक और देख लेते हैं, अगर हमको फिशर से किस में कन्वर्ट करना है, सौहार्स में, फिशर से सौहार्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये बहुत इजी होता है, बस आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, और थोड़ा सा आप लोगों को 3D इमेजिनेशन करना। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं मान लीजिए CH2OH, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ऐसे ही कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे CHO। ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए हम लिए हैं यहाँ पे। अब आगे देख लेते हैं इसको कन्वर्ट कैसे करना है। कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा फ्रंट कार्बन, ये वाला फ्रंट कार्बन हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा बैक कार्बन। ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन, ये हो गया आपका बैक कार्बन, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। अब क्या करना है आपको, वाई ड्रॉ करना है, दोनों वाई क्या होंगे सीधा होंगे,
और अगर आपको सीधा वाई, जैसे ये हो जाएगा आपका एक लिस्ट फॉर्म, और अगर आपको स्कैटर्ड में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना होता है, बस 180 डिग्री आप क्या कर रही है, रोटेट कर दीजिए इस वाले बॉन्ड को, तो क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड जब रोटेट होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्कैटर्ड फॉर्म में, ये हम एक लिस्ट फॉर्म आपको बता रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये ग्रुप आप वैसे ही रख दीजिए CH2OH, ये वाला ग्रुप भी आप नीचे रख दीजिए CHO, जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में रखेंगे, जो राइट में है उसको राइट में रखेंगे। ये क्या है, राइट में है तो यहाँ पे राइट में रखिए, ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रख दीजिए, ये क्या है राइट में तो राइट में रखिए, ये क्या है लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रखिए। ये आपका कन्वर्ट हो गया फिशर प्रोजेक्शन से सोहार्स प्रोजेक्शन में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए एक लाइक और सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता है, हम इतनी मेहनत करते हैं एक एक वीडियो बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, पहले उसको पढ़ना होता है, फिर उसको लिखना होता है, फिर अच्छे से आप लोग को समझाना होता है, तो टाइम तो बहुत लगता है, मेहनत भी बहुत लगती है। तो अगर आप भी मेहनत कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको दुख तो होगा ना, वैसे हम लोगों को भी होता है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, उससे हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और भी ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए लेके आएंगे। तो चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।